Devakar Chaudhary, working as an assistant professor at Department of Management in GL Bajaj Institute of Technology and Management, at Greater Noida. Today, I'll be taking the subject of cross-cultural management, where in lecture one we'll understand the culture, how, what are the values, worldviews, social cultural systems, and importance. Now, let's proceed with that. What do you understand by culture? कल्चर से हम क्या समझते हैं कल्चर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल डिफाइंड बाय लैंग्वेज रिलीजन सोशल हैबिट्स म्यूजिक आर्ट्स एंड वी कैन लुक एट द फिगर ऑल्सो एटीट्यूड्स बिलीव्स लैंग्वेज कस्टम्स रिचुअल्स बिहेवियर रिलीजन फूड कल्चर कल्चर को हम किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्रॉपरली एक पर, पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डिविजन्स एक कल्चर को कैरेक्टराइज करता है जैसे जिसके अंदर आप लैंग्वेज़ को ले सकते हैं रिलीजन्स होते हैं डिफरेंट सोशल हैबिट्स होती हैं लोगों की डिफरेंट म्यूज़िक टेस्ट होते हैं डिफरेंट आर्ट्स होते हैं कोई किसी चीज़ में अच्छा है कोई किसी चीज़ में अच्छा है किसी को कुछ खाना पसंद है किसी को कुछ पहनना पसंद है जो भी वो चीज़ें हैं और क्या कोई किसी भगवान को मानता है कोई किन्हीं भगवान को मानता है किसी की कोई बिलीव्स होती हैं किसी की कोई बिलीव्स होती हैं और किसी के कोई रिचुअल्स होते हैं कोई किसी रिचुअल्स को फॉलो करता है ये सारी चीज़ें कल्चर को डिफाइन करती हैं इसके अंदर प्रॉपरली जो करेक्ट्रिस्टिक होती है वो बेसिकली पर्टिकुलर ग्रुप्स में डिवाइड करती है अलग अलग बिलीव्स अलग अलग बिहेवियर्स को नोटिस करके ना कल्चर के अंदर इंक्लूड क्या क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज को अगर हम ध्यान में रखें विजन्स सिस्टम्स सिम्बल्स बिलीफ्स एंड हैबिट्स एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के अंदर जो एक कल्चर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू के अंदर क्या आता है विजन्स कहाँ तक का क्या सोचते हैं सिस्टम क्या होता है क्या सिंबल्स बिलीव्स वो फॉलो करते हैं और वो क्या हैबिट्स फॉलो करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है एक कल्चर को डिफाइन करने में इसके साथ ही इट इज़ ऑल्सो द पैटर्न ऑफ सच कलेक्टिव बिहेवियर्स दैट आर टॉट टू न्यू ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स एज अ वे ऑफ परसीविंग इवन थिंकिंग एंड फीलिंग दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ पाएं इट इज़ ऑल्सो द पैटर्न ऑफ सच कलेक्टिव बिहेवियर्स दैट आर टॉट टू न्यू ऑर्गेनाइजेशनल मेम्बर्स एज अ वे ऑफ परसिविंग इवन थिंकिंग एंड फीलिंग इसके अंदर क्या होता है एक कल्चर के अंदर जो भी कलेक्टिव बिहेवियर्स हो लोगों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ऑलरेडी बिहेव कर रहे हैं लोग जिस तरीके से जिस चीज़ों के अंदर ढले हुए हैं वो लोग उस तरीके से जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन मेम्बर्स आते हैं उनको वो चीज़ें समझाना ट्रेन करना उस तरीके से उनको बताना ताकि वो परसीव कर सकें वो चीज़ें और अपनी थिंकिंग के अंदर ला सकें और वो फील कर सकें जो वो सामने वाले उनके फेलोमेट्स फील कर रहे हैं ऑलरेडी वो चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए उनको समझाया जाता है और कल्चरल डाइवर्सिटी कल्चरल डाइवर्सिटी के अंदर क्या होगा कल्चरल डाइवर्सिटी विल परमिएट द वर्ल्ड्स वर्क प्लेसेस एंड दोज हु हार्नेस हारनेस केपेबिलिटीज़ ऑल्सो विल वैल्यू द डायनेमिक्स ऑफ एन इंक्रीजिंगली डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स पोल कल्चर डाइवर्सिटी के अंदर बेसिकली क्या होता है अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊँ तो रेस जो भी हमारे कलर एशन वाइट जो भी है इनके थ्रू जो बेसिकली कैरेक्ट्राइज होते हैं एक डाइवर्सिटी मार्केट के अंदर हम लोग ऑलरेडी उस कल्चर्स के अंदर डिविजन्स होते हैं सब डिविजन्ग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह के अंडरस्टैंडिंग्स अलग अलग तरह का मानना या फिर कोई किसी चीज़ को फॉलो करना कोई किसी रिलीजन को फील करना वो चीज़ें एक डाइवर्सीफाई कर देती हैं कल्चर के अंदर लोगों को नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कल्चरल वैल्यूज़ कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं इग्ज़ैम्पल से जाते हैं कल्चरल वैल्यूज़ के एग्ज़ाम्पल के अंदर एक फोल्डिंग हैंड्स जो हम हाथ जोड़ के बड़े लोगों के रिस्पेक्ट में हाथ जोड़ते हैं अपने से बड़ों के लिए अपने गुरुओं के लिए जो हम हाथ जोड़ते हैं उसको भी एक कल्चरल वैल्यू माना जाता है जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है कि अपने से बड़ों का आदर करें सम्मान करें उसमें हाथ जोड़ के हम उनको नमन करते हैं उस चीज़ के लिए वो भी एक कल्चरल वैल्यू है हैंड शेकिंग हाथ शेक करना जो हम हैंड हाँ शेक करते हैं लोगों के साथ हमारे फेलो मेट्स के साथ हमारे दोस्तों के साथ कभी भी मिलते हैं तो आप हैंड हाँ शेक करते हैं वो चीज़ भी एक कल्चरल वैल्यू के अंदर माना जाता है कि आप सामने वाले को ग्रीट करते हैं वो चीज़ एक कल्चरल वैल्यू होती है टचिंग फीट टचिंग फीट एग्ज़ैम्पल के अंदर जो हमसे बड़े लोग होते हैं लाइक आई स्पोकन अबाउट गुरु होते हैं बड़े होते हैं हमसे उनके हम पैर छू के उनसे आशीर्वाद लेते हैं वही चीज़ आती है आपके टचिंग फीड के अंदर वो भी हमारे कल्चर के थ्रू हमें दी गई है वो भी कल्चरल वैल्यू ही है क्यों क्योंकि हमारे बड़ों से हमने सीखा उनसे बड़ों से उन्होंने सीखा वो सारी चीज़ें हम लोगों ने कल्चरल वैल्यूज़ में ही अपने अंदर डाली हैं वो चीज़ हमारे अंदर कल्चर के थ्रू ही आई है उसके बाद टॉकिंग पोलाइटली आप किसी से भी बात करते हैं तो लोगों से हार्श वर्ड्स में बात करना और ये सब चीज़ें करना वो कल्चरल वैल्यू नहीं है वो ऑलरेडी आप गलत हो वहाँ पर तो टॉकिंग पोलाइटली विद द पीपल अच्छे से लोगों से बात करना अच्छे से उनका रिस्पेक्ट करना अच्छे से उनसे बातें शेयर करना वो चीज़ अगर आप अच्छे से करेंगे तो वो कल्चरल वैल्यू है आपकी कि आपने ये चीज़ सीखी और ये आपकी अच्छी वैल्यू है तो ये चीज़ आएगी रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एज आई ऑलरेडी डिस्कस दिस टचिंग फीट और फोल्डिंग हैंड्स में कि बड़ों को रिस्पेक्ट करना उनके उसके लिए रिस्पेक्ट के लिए हम लोग उनके सामने हाथ जोड़ते हैं उनके पैर छूते हैं उसी तरीके से बड़ों का हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए क्योंकि उनसे आप वो आपके बड़े हैं ज़्यादा एक्सपीरियंसड है, हैं ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है उन लोगों को आपको समझा सकते हैं काफ़ी चीज़ों में जहाँ पे हम गलत जाते हैं पेरेंट्स आपको समझाते हैं पेरेंट्स का एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं उनका लाइफ में क्या स्ट्रगल्स थे क्या चीज़ थे उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है उस तरीके से ही का अपने से बड़ों से हमेशा रिस्पेक्टफुली बात करें रिस्पेक्ट दें उन्हें वो आपकी कल्चरल वैल्यूज़ को प्लस पॉइंट होता है ग्रीटिंग वॉमली कभी भी आप किसी से मिल रहे हैं किसी से भी कभी भी पहली बार भी मिलें दोबारा मिलें बार बार मिलें हमेशा उनको हमेशा अच्छे से ग्रीट कीजिए विशेस कीजिए लाइक हम लोग करते हैं नमस्ते गुड मॉर्निंग ये सब हमेशा करना चाहिए लोगों के साथ ताकि आपका एक अच्छा कल्चरल वैल्यू डिफ़ाइन हो सके नॉर्ट लेट्स मूव ऑन टू द कल्चर वैल्यूज़ अब क्या होती हैं कल्चरल वैल्यूज़ कल्चरल वैल्यूज़ मैंने आपको एग्जाम्पल में भी जस्ट समझाया है उसी तरीके से अब डिफिन पर जाते हैं कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं इज आइडियाज़ अबाउट वॉट इज़ गुड राइट फेयर एंड जस्ट सोशोलॉजि डिसग्री हाउ व ऑन हाउ टू कंसेप्चुलाइज वैल्यूज़ कल्चरल वैल्यूज़ क्या होती हैं एक आइडिया कल्चरल वैल्यूज़ एक आइडिया होती हैं जो कि क्या सही है क्या गलत है क्या जायज़ है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए उस चीज़ को डिफ़ाइन करने में हमको हेल्प करती है अब कल्चरल वैल्यूज़ के थ्रू अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे इस चीज़ को तो उस पर आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि सही है ये चीज़ मैं जो करने जा रहा हूँ वो चीज़ सही है कि एग्ज़ाम में लोग एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं कई लोग अच्छे से एग्ज़ाम पढ़ के देते हैं कई लोग चीट करते हैं तो उस चीज़ में आप क्या आउट कर रहे हैं कि आपकी कल्चरल वैल्यू है कि हाँ आपने अच्छे से मेहनत करी उस चीज़ के बारे में प्रिपरेशन करी अच्छे से पढ़ाई करी और फिर आपने एग्ज़ाम लिखा कई लोग होते हैं जो मिस बिहेवियर करते हैं लाइक चीटिंग एंड ऑल तो वो चीज़ में आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं कि उनकी कल्चरल वैल्यूज़ ठीक नहीं है क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ उसको ठीक करने के लिए उन्हें अच्छे से पता होना चाहिए क्या चीज़ वो कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो उनको समझनी चाहिए चीज़ चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ होनी ज़रूरी है और कहाँ पर नहीं अब आते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी फोकस ऑन हाउ वैल्यूज डिफर बिटवीन ग्रुप्स विद अ कल्चर वाइल्ड फंक्शनलिज्म फोकस ऑन द शेयर वैल्यूज विद अ कल्चर अब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या कहती है हमें कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली फोकस करती है आपकी वैल्यूज कैसे डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स के अंदर एक ही कल्चर के अंदर अलग अलग ग्रुप्स में डिविजन्स होते हैं जैसे आपने एग्जाम्पल uh, के लिए ले लीजिए कि आपको कुछ खाना पसंद है कुछ लोगों को कुछ और खाना पसंद है तो उनको बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं लेकिन कल्चर तो एक ही है अब एक इंडियन कल्चर के अंदर कोई साउथ इंडियन फूड खाना पसंद करेगा कोई इंडियन खाना पसंद करेगा किसी को चाइनीज़ फूड खाना पसंद होगा तो अकॉर्डिंग टू दैट वो डिफरेंट सब डिविजन ग्रुप्स में डिवाइड हो गए तो इसीलिए एक ही कल्चर के अंदर जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवीज़न होता है कल्चरल वैल्यूज़ के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी वही हमें शो करती है बल्कि जो फंक्शनलिज्म होता है वो किसके ऊपर फोकस करता है मेनली जो कल्चर के अंदर शेयर्ड वैल्यूज होती हैं जो हम वैल्यू शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ जैसे बड़े हमसे शेयर करते हैं कि हमें मंदिर जाना है तो हमें हाथ जोड़ के उनको ग्रीट करना है बड़ों के पैर छूने हैं सुबह बड़ों को आशीर्वाद के लिए राम राम बोलना है या गुड मॉर्निंग बोलना है वह आपके ऊपर उसी शेयर्ड वैल्यूज के ऊपर फंक्शनलिज्म को फोकस करता है हमें नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड अ कल्चर दो में हार्बर कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज फॉर इंस्टेंस द वैल्यू ऑफ़ मटीरियल सक्सेस मेक कॉन्फ्लिक्ट विद द वैल्यू ऑफ चैरिटी एक कल्चर कॉन्फ्लिक्ट वैल्यूज में हावर करेगा ही करेगा फॉर इंस्टेंस वैल्यू ऑफ़ मटीरियल सक्सेस कॉन्फ्लिक्ट करती है वैल्यू ऑफ़ चैरिटी के साथ क्योंकि कोई भी मटीरियल सक्सेसफुल होने के लिए आपकी चैरिटी का क्या है क्या लोगों के लिए कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं क्या अच्छा किया आपने किसी के लिए क्या क्या बुरा किया वो चीज़ अगर आप अच्छा करते जाएंगे तो और अच्छा आपको प्राप्त होता जाएगा यही चीज़ है इसके अंदर नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक द वैल्यू ऑफ इक्वालिटी मे कॉन्फ्लिक्ट विद द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअलिज्म आप वैल्यू एक समान मानना वो आपकी कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है एक इंडिविजुअलिटी के साथ कि एक इंडिविजुअल इंसान है वो कैसे कॉन्फ्लिक्ट करेगा और एक इक्वालिटी लोगों को बराबर मानना और एक सिंगल बंदे को बराबर मानना दैट इज़ डिफरेंट वो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट हमेशा करेगा कॉन्ट्रडिक्शंस आ सकते हैं क्योंकि इनकन्सिस्टेंसी है लोगों के पीपल के एक्शंस के अंदर और उनकी वैल्यूज़ के अंदर जय ही मैंने आगे भी एक्सप्लेन किया था सच कॉन्ट्रडिक्शंस में एग्जिस्ट ड्यू टू एन इनकसिस्टेंसी बिटवीन पीपल्स एक्शन एंड देयर प्रोफेस वैल्यूज क्योंकि किसी लोगों के अंदर कुछ एक्शंस आएंगे कोई लोग सोचेंगे कि ये सही है कोई लोग सोचेंगे ये गलत है तो हमेशा कॉन्ट्रडिक्शंस हो जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रियल कल्चर रियल कल्चर रेफर्स टू द वैल्यूज एंड नॉर्म्स दैट अ सोसाइटी एक्चुअली फॉलोज रियल कल्चर क्या होता है ये एक वैल्यूज और नॉर्म्स को डिफाइन करता है जो एक सोसाइटी एक्चुअली में फॉलो कर रही है ऑलरेडी जहां पे आइडियल कल्चर को बताया जाता है वैल्यूज एंड नॉर्म्स जो एक प्रोजेस करती है बिलीव में जहां पे आइडियल कल्चर किसको कहा जाता है आइडियल कल्चर कहा जाता है एक वैल्यू और नॉर्म्स को जो एक सोसाइटी ऑलरेडी बिलीव कर रही है उसको नो लेक्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू वर्ल्ड व्यू में क्या होता है अ वर्ल्ड व्यू और वर्ल्ड व्यू इज द फंडामेंटल कॉग्नेटिव ओरियंटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और सोसाइटी इन कंपेसिंग द होल ऑफ द इंडिविजुअल्स और सोसाइटीज नॉलेज एंड पॉइंट ऑफ व्यू एक वर्ल्ड व्यू क्या होता है आपका जो कंप्लीटली एक ओरिएंटेशन को एक इंडिविजुअल को और एक सोसाइटी को एक साथ आता है द होल ऑफ़ द इंडिविजुअल और सोसाइटीज नॉलेज और सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक तमान रखता है वर्ल्ड की तरफ उसको कहते हैं बेसिक और अच्छे से समझने के लिए हम इस पर जा सकते हैं इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज एंड बिलीव आइडियाज एंड बिलीव दीज आर द की पॉइंट्स इट रेफर्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स फॉर्मिंग अ ग्लोबल डिस्क्रिप्शन थ्रू विच एन इंडिविजुअल ग्रुप और कल्चर वॉचेस एंड इंटरप्रेट्स द वर्ल्ड एंड इंटरेक्ट्स विद इट इसके अंदर क्या समझाया गया इससे आप समझेंगे कि इसको बेसिकली एक फ्रेमवर्क कहा गया है जहाँ पे एक आइडियाज़ और बिलीव्स जो ऑलरेडी एक ग्लोबल डिस्क्रिप्शन को फॉर्म कर रहा है उसके थ्रू एक इंडिविजुअल, एक ग्रुप एक कल्चर देखता है कि कैसे वो इंटरप्रेट करेगा और कैसे समझेगा और वर्ल्ड को कैसे जानेगा और किस तरीके से क्या हो रहा है क्या चल रहा है एक अलग अलग इंडिविजुअल से कुछ सीखने को मिलता है कुछ ग्रुप से कुछ सीखने को मिलता है कल्चर में क्या क्या चल रहा है ग्लोबल लेवल पर कहाँ पर क्या चल रहा है उसको जानना पहचानना उसके लिए ऐसे इंटरेक्ट करेगा नॉ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड वर्ल्ड व्यूज आर ऑफन टेक टू ऑपरेट एट अ कॉन्शियस लेवल डायरेक्टली एक्सेसिबल टू आर्टिकुलेशन एंड डिस्कशन एज अपोज टू एक्सिस्टिंग एट अ डीपर प्री कॉन्शियस लेवल सच एज द आइडिया ऑफ ग्राउंड इन जस्टल्ट साइकोलॉजी एंड मीडिया एनालिसिस वर्ल्ड व्यू को क्या होता है ऑफन टेक इन टू ऑपरेट एट अ कॉन्शियस लेवल डायरेक्टली एक्सेजल टू आर्टिकुलेशन एंड डिस्कशन एज अपोज टू एग्जिस्टिंग एंड डीपर प्री कॉन्शियस लेवल सच एज द आइडिया ऑफ ग्राउंड इन जस्टॉल्ट साइकोलॉजी एंड मीडिया एनालिसिस दिस इज ऑलरेडी गिवेन टू अस जस्टल्ट एंड साइकोलॉजी एंड मीडिया एनालिसिस के थ्रू हाउ वो कोर वर्ल्ड व्यू बिलीव्स आर ऑफन डीपली रूटेड जो हमारी बिलीव्स हैं वर्ल्ड व्यू की तरफ वो बहुत ही ज़्यादा डीपली रूटेड है क्योंकि हम लोग पहले से वो चीज़ें देखते आए हैं समझते आए हैं ऑलरेडी उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते आए हैं और उसी को हम मानने लगे और उसी के थ्रू हम हर चीज़ को उसी के थ्रू डिफाइन करते हैं तो वो डीपली रूटेड हो गई हैं हमें सो आर ऑनली रेअरलीफेक् रिफ्लेक्टेड ऑन बाई इंडिविजुअल्स एंड आर ब्रॉड टू द सर्फेस ऑनली इन मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस ऑफ फेथ और ये चीज़ हमारे सामने कब आती है कब रिफ्लेक्ट होती है हमें दिस इज दर्ड रेयरली रिफ्लेक्ट कब होती है जब एक इंडिविजुअल को किसी भी सरफेस पे आने के लिए जब क्राइसेस ऑफ फेथ होता है जहाँ पर पे वो पहचान नहीं पाता कोई भरोसा नहीं कर पाता कि हाँ यार ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है वहाँ पर जाके वो चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि हाँ ये चीज़ मैं को समझनी थी और ये चीज़ यहाँ पर सही नहीं हुई थी वो हमारे लोग को क्या है हम लोगों ने जो चीज़ समझ ली वो हम में इतनी डीपली रूटेड हो गई हैं चीज़ें जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग जब तक क्राइसिस ऑफ फेथ हमारे पे नहीं आएगा फेथ का इशू नहीं आता है तब तक हम जल्दी समझना नहीं चाहते क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हमें डिफाइन कर रही है और हम उसी पर स्टक रहना चाहते हैं तो वो चीज़ हम अंडरस्टैंड करते हैं और उसके थ्रू निकलने की कोशिश करनी चाहिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सोशियो कल्चरल सिस्टम्स वॉट डू अंडरस्टैंड बाई अ सोशियो कल्चरल सिस्टम एक सोशियो कल्चरल सिस्टम होता है ह्यूमन पॉपुलेशन

कितने भी सब सिस्टम्स हैं कई सिस्टम्स के तरीके से उनको देखा जाता है द वर्ड सोसाइटी एंड कल्चर आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द वर्ल्ड सोशो कल्चर जो हमारी सोसाइटी होती है जो हमारा कल्चर होता है इन दोनों को मिला के वर्ड बना है सोशो कल्चर जिसको अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे आगे द टर्म सोशो कल्चरल सिस्टम एम्ब्रेस थ्री कंसेप्ट सोशो कल्चरल सिस्टम तीन चीज़ों में कंसेप्टों में डिवाइड हुआ है जैसे पहला हो गया सोसाइटी जहाँ पे जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं क्या जहाँ पे हम लोग जो भी वर्कआउट करते हैं हमारे दोस्त हमारी फैमिली हम हमारे घर परिवार के लोग सब लोग जो भी ये सोसाइटी है इसको फॉलो करते हैं किस कल्चर को ये फॉलो करता है कौन सा कल्चर हम फॉलो करते हैं जैसे कुछ जैसे हमारे पास डिफरेंट हैं डिफरेंट एथिक्स हैं सारी चीज़ें कौन से कल्चर में हम फॉलो करते हैं कौन से सिस्टम के थ्रू हम चलते हैं ये सारी चीज़ें कहाँ मिल कर के हम लोग काम करना हमारी सोसाइटी सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के बनता है ये सोशो कल्चरल सिस्टम इसके अंदर ये इमेज में आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेसेस अलग अलग तरह के लोग सब एकजुट होकर के हंस रहे हैं वो इसीलिए कि सोसाइटी में रहना एक सब लोगों के साथ में अपना एक इंडिविजुअल जो भी आपका थॉट है जो कुछ भी आप में ऑलरेडी इनहेरिटेड है उसके तरीके से अपने कल्चर्स को आपस में मिलजुल कर बांटना लोगों को आपस में अंडरस्टैंड करना रर देन जजिंग एम दैम आउट तो उनको अंडरस्टैंड करना उनसे डिस्कस करना अंडरस्टैंड करना चीज़ों को उनको समझना उनको समझाना क्या सोसाइटी के लिए ठीक है क्या अच्छा है क्या बुरा है कौन सा कल्चर में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है क्या डेवलप किया जा सकता है क्या नहीं किया जा सकता है इस सिस्टम को अच्छे से वर्कआउट करना और इस चीज़ में आगे बढ़ना नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सोसाइटी एक सोसाइटी क्या होती है सोसाइटी होता है इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गैनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज एक सोसाइटी को आप क्या डिफाइन करेंगे सोसाइटी का कहना होता है जैसे हम हो गए ह्यूमस हम हैं मेल्स हैं फीमेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोग एक ह्यूम जो हो गया साइकिल ये माना जाएगा एक सोसाइटी क्यों क्योंकि हम लोग डिफरेंट चीजें पोजेस्ट करते हैं और जो एनिमल्स हो गए वो हैं डिफरेंट सोसाइटी बर्ड्स हो गए डिफरेंट सोसाइटी क्योंकि ये डिफरेंट एक डोमेन बना बन जाता है जिसमें सब सिस्टम्स में डिवाइडेड हैं जिसके अंदर ह्यूमन ह्यूमन से इंट्रैक्ट करता है एनिमल्स एनिमल्स से इंट्रैक्ट करते हैं बर्ड्स बर्ड से इंट्रैक्ट करते हैं आपस में तो वो एक सोसाइटी नॉर्म्स को फॉलो करते होते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड एज अ सोसाइटी नॉट लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर अ कल्चर इज दैट लर्न बिहेवियर दैट आर शेयर बाय द मेम्बर्स ऑफ अ सोसाइटी टुगेदर विद द मटीरियल प्रोडक्ट ऑफ सच बिहेवियर्स एक कल्चर क्या होता है एक कल्चर बेसिकली आपका लर्न बिहेवियर होता है जो हो कि शेयर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी सोसाइटी क्या होता है जो हमने अभी अभी पढ़ा एक तरीके के इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म जो एक साथ होकर के चीजों को कल्चर को सिस्टम को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं हम सोसाइटी अब सोसाइटी के बाद में कल्चर में क्या समझा हमने ये एक लर्न बिहेवियर है जो कि शेयर किया जाता है सोसाइटी के मेंबर्स के साथ सोसाइटी के मेंबर्स ही समझाते हैं उनके थ्रू ही हमें कल्चर जानने को मिलता है टेदर विद द मटीरियल प्रोडक्ट्स ऑफ सच बिहेवियर्स उन जो भी मटीरियल प्रोडक्ट्स के थ्रू या उनके बिहेवियर्स के थ्रू हमें जानने को मिलती हैं जो चीज़ें जो कल्चर हमारे ऑलरेडी हम लोग फॉलो कर रहे होते हैं उनको हमें जानने को मिलता है उनके थ्रू ना लेट्स मूव ऑन टू दिस्टम सिस्टम क्या होता है एक सिस्टम होता है कलेक्शन ऑफ पार्ट्स विच इंट्रैक्ट विद ईच अदर टू फंक्शन एज अ होल एक सिस्टम के अंदर क्या होता है वो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को कलेक्ट करता है और डिफरेंट पार्ट्स को करेक्ट करने के बाद एक दूसरे के साथ में मिल करके एक साथ कोई भी फंक्शन को संभालता है सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ करके एक साथ काम करता है उसको हम कहते हैं सिस्टम जिसके अंदर हमारी सोसाइटी एक कल्चर को फॉलो करती है और एक सिस्टम के सा, लिए साथ में काम करते हैं दैट इज़ नोन एज सोशो कल्चर सिस्टम नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ कल्चर कल्चर क्या होता है कल्चर होता है कल्चर इज़ द इन्वेंसिबल बॉन्ड विस टाइज पीपल टुगेदर कल्चर एक ऐसा बॉन्ड है जो लोगों को एकजुट बनाता है एक साथ जोड़ता है इट रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी लोगों के ह्यूमन एक्टिविटी पैटर्न जो होता है उसको रेफ़र करता है कल्चर द आर्ट द लिटरेचर द लैंग्वेज एंड रिलीजन ऑफ अ कम्युनिटी रिप्रजेंट एज कल्चर एक कल्चर को रिप्रजेंट कौन करता है एक कम्यूनिटी को जो आर्ट होगा जो लिटरेचर होगा जो उनकी लैंग्वेज है जो है, 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 रिलीजन है जैसे हिंदूज़ हैं मुस्लिम्स हैं सिख्स हैंसाई हैं डिफरेंट रिलीजन हैं लेकिन एक ही कम्युनिटी को अलग अलग कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने अपने रिलीजनस को फॉलो करके या फिर साउथ इंडियंस हैं नॉर्थ इंडियंस हैं कहीं पे तमिल लैंग्वेज बोली जाती है कहीं पे तेलुगु बोली जाती है कहीं पर असामीज़ बोली जाती है कहीं पे हिंदू भाषा नॉर्मल बोली जाती है तो वही चीज़ें हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं कल्चर को आर कल्चरल वैल्यूज़ एंड बिलीव्स मैनिफेस्ट देम थ्रू आर लाइफ हमारी लाइफ कैसी है ये हमारे कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीव्स के ऊपर डिपेंड करती है क्यों क्योंकि अगर हमारी कल्चरल वैल्यूज़ और बिलीव्स ही सही नहीं है तो हमारी लाइफ स्टाइल कभी ठीक नहीं हो सकती सो so, उसके ऊपर मेन फोकस रहता है ना लेट मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइट इसके अंदर क्या होता है आर मॉरल वैल्यूज़ रिप्रजेंट कल्चर हमारी क्या अच्छी चीज़ें हैं क्या मॉरल वैल्यूज़ हैं हमारी वो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं कल्चरल कल्चर इज़ रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आर एटीट्यूड हमारा एटीट्यूड कैसा है लोगों की तरफ कैसा एक एनवायरमेंट में है वो हमारे कल्चर डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है हमारे एटीट्यूड में अब हमारा कल्चर अगर अच्छे से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं कैसे करना है कैसे चीज़ें करनी है कैसे अंडरस्टैंड करना है उस चीज़ को समझने के लिए हमारे एटीट्यूड में डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा आर कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लुएंस हाउ वी अप्रोच लिविंग हमारी कल्चरल वैल्यूज अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ों की तरफ ही आगे बढ़ेंगे अगर हमारी कल्चरल वैल्यूज गलत है हम कहीं पे गलत जा रहे हैं तो हम ऑब्वियसली उसी की तरफ मूव करेंगे इसीलिए कल्चरल वैल्यूज हमारी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं हमारी लिविंग अप्रोच में अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में इस पॉइंट के अंदर भी मैंने आप यही चीज़ मैंशन करी है यहाँ पर कल्चरल वैल्यूज इन्फ्लूंस हाउ वी अप्रोच लिविंग इट इज़ द अल्टीमेट सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल पीपल मोनिटर देयर ओन स्टैंडर्ड्स एंड बिहेवियर ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ सोशल कंट्रोल है जिसके अंदर पीपल है ना अपने स्टैंडर्ड्स और अपने बिहेवियर को नोटिस करते हैं आर कल्चरल वैल्यूज सर्व एज द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ आर लाइफ हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हमारी जो भी प्रिंसिपल्स हैं लाइफ में उसको कंप्लीटली हेल्प करते हैं और दे शेप आर थिंकिंग बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी हमारे कल्चरल वैल्यूज़ की वजह से हमारी थिंकिंग में डिफरेंसेस होते हैं हमारे बिहेवियर में चेंजेस होते हैं और हमारी पर्सनालिटी में ही फर्क पड़ता है क्योंकि अगर आपके कल्चरल वैल्यूज़ ठीक हैं तो आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली अच्छी जगह जाएगी अच्छी थिंकिंग जाएगी अच्छे बिहेवियर्स आप इनहेरिट करेंगे और अपनी पर्सनैलिटी को ऑटोमेटिकली अच्छे से उसी तरफ को डेवलप करेंगे नॉन लेस मू ऑन टू द नेक्स्ट लाइट इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर अब कल्चर की इम्पोर्टेंस क्या होती है अभी हमने जो भी पीछे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली कल्चर हमारी थिंकिंग को भी डेवलप करता है हमारे एटीट्यूड को भी डेवलप करता है और हमारे पूरी अंडरस्टैंडिंग को पॉजिटिव अप्रोच देता है इसी तरीके से लेट्स मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कल्चर इज द सेट ऑफ ट्रांसमिटेड एंड लर्न बिहेवियर पैटर्न्स बिलीव्स इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल अदर प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन वर्क एंड थॉट दैट कैरेक्टराइज द फंक्शनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन प्रोफेशन ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी आई रीड इट वंस अगेन

कल्चर टीचर्स टू थिंक फॉर द होल नेशन नॉट इंडिविजुअली कल्चर हमेशा सिखाता है कि अच्छे से एक नेशन को सबको एकजुट होकर के संभालना अकेले अकेले आगे बढ़ना नहीं सारे नेशन को एक साथ ले कर आगे बढ़ना इट प्रोवाइज द कम कंसेप्ट ऑफ फैमिली नेशन एक्सेट्रा ये हमें सिखाता है कैसे एक फैमिली में एकजुट होकर के रहना कैसे एक नेशन को एकजुट होकर के चलना सब लोगों के साथ एक बात एक साथ चलना आगे बढ़ना ये चीज़ें एक कल्चर ही हमें सिखा सकता है अब इसके अंदर में आज की डेट में हम लोगों ने क्या क्या अंडरस्टैंड किया है लेक्चर फर्स्ट के अंदर नाउ लेट्स गो फॉर द ओवरव्यू इसके अंदर हम लोगों ने कल्चर के वैल्यूज़ कल्चर क्या होता है कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है कल्चरल डाइवर्सिटी के बाद कल्चरल वैल्यूज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं कैसे एक कन्फ्लिक्ट थ्योरी टेक प्लेस होती है कैसे उसके एग्जाम्पल्स कल्चरल वैल्यूज़ के हमने आपस में डिस्कस किए हैं एक कल्चर के अंदर क्या चीज़ें होती हैं जो इक्वालिटी को अफेक्ट कर सकती हैं एक रियल कल्चर क्या हो सकता है जो कि यहाँ पे था एक रियल कल्चर हो सकता है एक आइडियल कल्चर क्या होता है ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड की हैं एक वर्ल्ड व्यू के अंदर एक वर्ल्ड व्यू को कैसे एज अ होल देखा जाता है क्या फ्रेमवर्क होता है क्या बिलीव्स हैं और जस्टल्ट साइकोलॉजी एंड मीडिया एनालिसिस में क्या था सोशियो कल्चरल सिस्टम्स क्या होते हैं सोशल कल्चरल सिस्टम के अंदर जो तीन हमने ये कंसेप्ट को कैरेक्टराइज़ किया था इसके अंदर आपका सोसाइटी कल्चर एंड सिस्टम्स इनको हमने अंडरस्टैंड किया है यहाँ पे जैसे कि एक सोसाइटी के अंदर क्या होता है एक सोसाइटी होती है इंडिपेंडेंट ऑर्गे ऑर्गेनिजम्स की जिसके अंदर सेम स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं एक कल्चर क्या होता है ये लर्न बिहेवियर हो, होता है जो शेयर्ड बाय मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी जो कि एक मटेरियल प्रोडक्ट्स ऑफ सच बिहेवियर्स के थ्रू होता है एक सिस्टम क्या होता है ये कलेक्शन होता है पार्ट्स का जहाँ पर इंट्रैक्ट करते हैं हम एक साथ काम करने के लिए उसे एक सिस्टम कहते हैं एक कल्चर क्या होता है वॉट इज़ अ कल्चर ये एक इंडिविजुअल बॉन्ड होता है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी को रेफ़र करता है आपके मॉरल वैल्यूज़ कैसे होते हैं कैसे सिस्टम कंट्रोल के साथ में आप स्टैंडर्ड और लिविंग बिहेवियर थिंकिंग और बिहेवियर और पर्सनैलिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे अच्छा कर सकते हैं उसको वो होता है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये चीज़ हमने पढ़ी है आज आई होप यू ऑल गेट इट वेरी वेल और ये चीज़ बहुत ही कंसेप्शुलाइज वे में और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन की गई थी और कि भी कोई चीज़ हो आई होप यू अंडरस्टैंड इट विल थैंक यू